पता जिस स्पीड से जमाना बदला है ना तुम्हारे बचपन से लेकर तुम्हारी जवानी तक, तुम सबने देखा टेक्नोलॉजी कितना आगे बढ़ गई, दुनिया कितना आगे बढ़ गई, महंगाई इतना आगे बढ़ गई जितना आगे हम लोग भी नहीं बढ़ पाए। बट एक चीज जो सालों में नहीं बदली वो है बॉलीवुड। मतलब तुम्हारे बचपन में भी वही गाने आते थे, ऊंची है बिल्डिंग, तुम्हारी जवानी में भी वही गाने आते हैं, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, और क्या गाने आते हैं, कैसे मैं आऊं, अरे दिल रजामंद है, ऊंची बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं दिल रजामंद है। ये लाइनें सुन के सीढ़ी भी सोच रहा होगा हम यहाँ पे मरवाने के लिए बैठे हुए, मतलब चाहिए भी और मेहनत भी नहीं करनी है, और लड़कियां पागल हो जाती है ऐसे लौंडों पे भी। आलसी आदमी एक नंबर का सीढ़ी यूज कर, ना 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 लिफ्ट बंद है तो मैं नहीं आएगा, तू नीचे। अब हम यहाँ पे बंदे रोते रहते साल भर, ना लिफ्ट बंद है तो सारी बंदियां उसी में पागल में आ रही है नीचे। लड़कियों देखो समझो मेरी बात, अगर तुम्हें लगता है ना वो देख के डिलीट मार देगा तो हो सकता है तुम गलत हो। जो लोग इस बात की गहराई समझ गए, लीव अ लाइक। यूज कबू का क्योंकि सब्सक्राइबर ना मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं जो व्यूज के लिए कितना भी गिर जाए। और तुमने देखा होगा हिंजक पूजा सारे यूट्यूबर शुरू हो गए, ओम प्रकाश मिश्रा सारे लोग शुरू हो गए, दीपक कलाल सारे लोग शुरू हो गए, पर मैं नहीं। और आज इनसे गलती हो गई है, इन्होंने मेरे भाई को पिक कर लिया है। ब्रदर फरमाना माता, मेरा भाई जिसका नाम तक मुझे नहीं पता, बट अगर तुम थोड़ा सा भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो ना, तुमने इसकी शक्ल जरूर देखी होगी, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह यही है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूं। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। आई नो तुम ये देख रहे हो भाई, तो बाइक नहीं उठ रही, ना वो तो सब देख रहे थे, बट ये मेरा भाई है, दिल से दिल का कनेक्शन हमारा। एक मिनट चप्पल देखो भाई की, व्हाई आर वी स्टिल हियर। मैं उसके बाइक ना उठाने पे पड़ी है, भाई की चप्पल टूट गई, अब नंगे पैर घूमना पड़ेगा उसको। जस्ट टू सफर। तो तुम देख रहे हो कितना बड़ा एंटरटेनमेंट है, चप्पल टूट गई भाई की, चेहरे से स्माइल नहीं गई। अभी तुम कोई सा भी यूट्यूब चैनल देखो, सारे लोग इस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, और हर बार ऐसे बंदे जब आते हैं ना, मैं इकलौता बंदा होता जो इनको डिफेंड कर रहा होता है। इसका तो बनता है, इसको डिफेंड करना बनता भी है, क्योंकि लिटरली इस बंदे ने ओपनली बता दिया था मैं ये क्यों कर रहा हूं। यार मैं फेमस होना चाहता हूं, आज से मैं ऐसा कुछ कांड जरूर करूंगा कि फेमस हो जाए भाई साहब। और इस जहाज में इस बंदे ने क्या क्या नहीं करा। Why are we still here? और एक और रीजन मैं इसको डिफेंड करूंगा आज की वीडियो में, क्योंकि हम दोनों की बातें काफी सिमिलर है, बस लेवल का फर्क है, ये ज्यादा फेमस है कम। Why are we still here? What? You don't believe me? एक मिनट, मैं इस चैनल पे क्या करता हूँ, लड़की की तलाश। भाई क्या कर रहा है, लड़की की तलाश। यार जो मुझसे पटना चाहती हो एक आदम मुझसे भी पट जाओ, मुझे में क्या खराबी है, एक ही पट जाओ प्लीज। तुम्हें पता है मैंने तुमको बताया था कि मैं पॉलिटिक्स में जाएगा एक दिन, भाई का भी वही सपना है। और तुम्हें पता है मैंने क्या क्या प्रॉमिस किए थे, भाई के भी सेम प्रॉमिस है। भाई जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, सभी सिंगल भाइयों को एक एक गर्लफ्रेंड दिलाऊंगा, चाहे माल चाइना से क्यों ही न लाना पड़े। लंडो, ये अपोजिंग पार्टी की साजिश है, मैं चाइना नहीं, मैं रशिया से माल उठाएगा, बीबी माल उठाएगा। और जिनको ये जोक समझ में नहीं आ रहा, रशिया और चाइना का माल तुम्हें समझ में नहीं आता, कम ऑन, कितने बच्चे हो तुम, क्या कर रहे हो चैनल पे, पोगो देखो, रशियन चाय दी। भाई इस जन्म में इतना पाप कर लिया हूँ, इतना पाप कर लिया हूँ कि लग रहा है कि अगले जन्म में भी सिंगल ही रहना पड़ेगा। दिल की बात बोल दी भाई ने, दिल की बात बोल दी है भाई। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को तुम्हें हर जोक एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ नेक्स्ट लेवल ही फेल रहा हूँ इस वीडियो में मैं आज। Stop it. Get some help. एक और सिमिलरिटी इसमें और मुझ में जो है, हम दोनों ही लेम जोक मारते, एक नंबर लेम जोक मारते हम लोग। सच बता रहा हूँ, इतना बड़ा सिंगल हूँ यार, सपने में भूत ही आता है, साला चुड़ैल नहीं आता। भाई वो तो इसलिए है ना क्योंकि उसे पता है हम जैसे लौंडे चुड़ैल भी नहीं छोड़ेंगे। भाई गर्लफ्रेंड की प्राप्ति के लिए हवन करवा रहा हूँ, जो चाहते हो मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाए वो कमेंट बॉक्स में स्वाहा लिख दो। लौंडो ये हवन कराए उससे पहले तुम इस कमेंट बॉक्स में स्वाहा बोल दो। वो अपने लिए कर रहा, मैं सबके लिए हवन कराएगा, मैं ब्राह्मण है, भौसम कर देगा, स्वाहा कमेंट करो। अरे कहाँ गई वो लड़कियाँ जो पैसों से पटती है, मेरे पास भी 150 रुपए यार पट जाओ। भाई साहब मेरे को लग रहा भाई जीत रहा हमसे, क्योंकि भाई की जेब में 150 रुपए। हैशटैग यानी गरीब है, मेरी जेब में एक्चुअली 150 रुपए भी नहीं है। Why are we still here? Oh, is it over? Getting to move away? Yeah, episode एक खत्म कर रहे हैं। I hope तुम लोगों ने enjoy किया, और अगर enjoy किया, smash the like button, subscribe the channel, और आज का notification shoutout जा रहा है तेजस को। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा नाम इन वीडियो में, share this video, tag me in that post, और क्या पता?
अगली वीडियो में तुम्हारा नाम आ जाए एंड जस्ट इन केस तुम उन लोगों में से जो शेयर नहीं करने वाले शेयर करो भाई। गोल्ड चाहिए था गोल्ड सिंघम क्योंकि अभी करेगा आपको अभी आपसे अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए पीस आउट। लेने के सब मजाक है दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो मैं हर बार बोलता हूँ ऐसी चीजें देखने के बाद वो जो कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं और लाइफ छोटी है चार दिन की खुशी खुशी जियो गाली देने वाले बहुत हैं। लोगों को अप्रिशिएट करना सीखो प्यार करना सीखो और इसी का नाम जिंदगी है। तो यार तुम जब भी ऐसी चीज देखते हो ना प्लीज उनको गालियां मत दो अप्रिशिएट करो एफर्ट करेंगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे एंटरटेनमेंट अच्छा मिलेगा। वो कहते हैं ना इंसान तो हर घर में जन्म लेता है पर इंसानियत कहीं कहीं जन्म होती है। सो बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग मैन रिस्पेक्ट एवरीवन लव एवरीवन। माँ ने बेटी से पूछा बेटा लड़का पसंद आया क्या? मम्मी लड़का तो ठीक है पर थोड़ा छोटा है। तू भी ना देख टीवी 14 इंच का हो या 29 इंच का रिमोट तो 7 इंच का ही होता है ना। मेरो ओ हासूर भाई साहब जो बंदे इस बात की गहराई समझ चुके हैं प्लीज कमेंट भी मत करना प्लीज कमेंट भी मत करना। मेरे पास जोक्स की इतनी कमी है ना वरना मैं यूजुअली ना मैं ऐसे जोक्स डिलीट मार देता हूँ बट आजकल जोक्स की इतनी कमी हो रखी मुझे रखना पड़ता है। अरे दुलही रहे बीमार निरहुआ निरहुआ सटल रहे ना हिलाए आंखों में आंसू आ रखे खराबी क्या है तेरी बॉडी का सिस्टम हिला पड़ा है नीचे हिलाओ तो पानी ऊपर से निकल रहा है और तू हमसे पूछ रहा कमी क्या है डॉक्टर को दिखा।